अभी हम बात करेंगे इसका अंदर का जो कुशन्स है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले ही इसका जो स्ट्रैप है बहुत बढ़िया तरीके से किया हुआ है। Hey, what's up, you beautiful people? I hope कि सब ठीक हो। वैसे आप सभी को ठीक ही रहे जाओ, क्योंकि मैं जो दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए। तो वेलकम बैक यू पीपल अगेन इन माई यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आप सभी को दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामना है मेरे तरफ से, एक ईच क्वेश्चन के तरफ से। तो दोस्तों, आप सब सही रहो, सुस्त रहो और तंदुरुस्त रहो, ये मेरा प्रार्थना है भगवान के पास आप लोगों के लिए। आज मैं जो कंटेंट डालने जा रहा हूँ वो है एक हेलमेट का अनबॉक्सिंग। तो देखते रहिए वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एक एच क्रिएशन। तो गाइज, ये आ चुका है मेरा और एक पार्सल जो मैं फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और इसका पैक करने का ढंग देखिए फ्लिपकार्ट वालों का। ये देखिए कैसे पैक किया इन्होंने, पूरा दुबला बना दिया। ये देखो यहाँ से बॉक्स क्रैक है, और आपका यहाँ से भी देखिए क्रैक है बॉक्स में। तो ये है फ्लिपकार्ट का कोलकाता के लिए बॉक्स पैकिंग। अलग स्टेट के लिए ये फ्लिपकार्ट जो भेजता है उसका बॉक्सिंग ठीक ही रहता है, इसके ऊपर में और भी बॉक्स आता है, उसके अंदर में ये वाला जो मेन यूनिट का बॉक्स है ये रहता है, लेकिन कोलकाता के लिए इन लोगों का बॉक्सिंग ये है। तो मैंने जो डिलीवरी करने आया था उससे मैंने पूछा कि भाई ये मैं क्यों रिसीव करूं, तब बोल रहा है कि सर इसमें तो आपका सील है, सील तो टूटा हुआ नहीं है, एक्चुअली बहुत सारा सामान के साथ आता है, इसीलिए सर शायद बॉक्स का साइड वाला यूनिट थोड़ा खुल गया होगा। फिर मैंने बोला ठीक है बेटा, चलो अब तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि आपका बात पे आगे, क्योंकि यहाँ पे आपका मतलब ये है सील्ड है, तो लेकिन कुछ दिक्कत होगा तो चलो ठीक है, फिर तो मैं फ्लिपकार्ट को मेल दूंगा ना। तो गाइस, करते हैं इस सेमी अनबॉक्स्ड प्रोडक्ट को प्रॉपरली अनबॉक्स्ड, और देखते हैं प्रोडक्ट क्या मिला है। वैसे बक्सा धोके मुझे पानी नहीं पीना है, तो देखते हैं जिस सिलसिले में मैंने ये लिया है वो प्रोडक्ट कैसा आया है। लेकिन यार बॉक्सिंग बहुत बहुत गंदी तरीके से किया, अगर फ्लिपकार्ट वाले आप देख रहे हो इसके ऊपर और भी एक बॉक्स डाल के भेजा करो, ताकि तुम लोगों का रेपुटेशन सही रहे। यार कितना बड़ा लॉजिस्टिकल कंपनी हो तुम लोग यार, तो उतना बड़ा रेपुटेटेड लॉजिस्टिकल कंपनी है फ्लिपकार्ट, तो मैं ये चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए अनबॉक्सिंग से पहले ही क्या हाल है इसका, ठीक है ना, पूरा बक्से का मैं 360 व्यू दिखा रहा हूँ घुमा घुमा के, देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये कोई तरीका है किसी को कोई सामान भेजने का, चाहे आप टाइम ले लो, जल्दी भेज रहे हो सही है यार, लेकिन ये कैसा तरीका हो गया। अगर यही चीज़ कुछ प्रॉब्लम होगा मैं रिटर्न मारूंगा, तब जाके आप लोग बोलोगे कि यार बक्सा सही नहीं था, है ना, तो ये बहुत गलत चीज़ है। आगे से फ्लिपकार्ट वालों अगर देख रहे हो यार, आप लोग इस चीज़ के ऊपर थोड़ा आरडी कर लो यार। बॉक्स के अंदर में और क्या मिला है, बॉक्स के अंदर में मिला है एक हेलमेट लॉक भी दिया ये लोगों ने, केबल लॉक, बढ़िया बहुत बढ़िया, ये स्टील वाट की तरफ से ही है। और आप लोग देख सकते हो गाइस इसमें और कुछ भी नहीं है। तो गाइस, इसके अंदर से जो सामान निकला है वो सारा का सारा मैं सेवलॉन से सैनिटाइज कर रहा हूँ। और इसका जो
बाहर वाला यूनिट है पूरा का पूरा मैं सैनिटाइज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। सेफ्टी के मामले में वैसे सही रहना चाहिए हर किसी को। तो गाइज मैं इसका अभी कर रहा हूँ कवर अनबॉक्सिंग, तो इसको निकालते हैं और देखते हैं हाउ इज द प्रोडक्ट। आ गया है हमने जो मंगवाया था वो प्रोडक्ट, तो इसको भी थोड़ा कर देते हैं सैनिटाइजिंग। ऐसा टाइम में गाइस थोड़ा होशियार रहना चाहिए हम सभी को। वैसे ये डिसइंफेक्ट अंदर जाने से कुछ नहीं होता। तो गाइस अभी हम देखेंगे इसका एक 360 व्यू। तो देखिए ये है स्टील बर्ड का SB17 रोबोट वाला हेलमेट। ये वैसे मैंने जो सैनिटाइजर दिया था वही लगा हुआ है। गाइस ये सब निशानी पे मत आइए, ये सैनिटाइजर है अभी सूख जाएगा। तो गाइस आप करते हैं इसका थोड़ा बहुत डिटेलिंग शेयर, देखते हैं हेलमेट कैसा है। तो जैसे कि मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एयर वेंट है जो सामने की तरफ, इसको आप ऐसे खींचोगे तो ये नीचे हो जाता है और यहाँ से हवा अंदर जाता है। और इस हेलमेट का और एक सबसे बढ़िया चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका यहाँ पर भी एयर वेंट है जो ऑटोमेटिकली बाहर का जो एयर है वो अंदर ले जाता है। यहाँ पर भी एक एयर वेंट है। और एक बहुत बढ़िया बात है, इसका हेड के साइड में भी एक एयर वेंट है जिसको ऐसे प्रेस करने से खुल जाता है और हवा इसका अंदर जाता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका चारों तरफ चारों होल है, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको ऐसे खींच देने से फिर ये लॉक हो जाता है। अभी दोस्तों इसके पीछे में भी दो दो चार एयर वेंट है और लुक्स इसका काफ़ी स्टाइलिश है और डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया है। तो ये चार जो एयर वेंट है सामने और ऊपर से और दोनों साइड से जितना सारा एयर इनहेल करता है वो उसका सारा का सारा जो अंदर का जो गर्म हवा है उसको पीछे से वो बाहर निकल देता है। और दोस्तों वैसे मेरा बाइक का कलर है ब्लैक ग्रीन, तो उसके हिसाब से मैंने ये वाला पर्टिकुलर कलर मंगवाया। वैसे इसका काफ़ी सारा कलर्स होता है। और दोस्तों इसका एक सबसे बढ़िया जो फीचर्स है जिसके कारण इसका नाम हुआ है रोबोट, एक तो इसका डायमेंशन, एक तो इसका ग्राफिक्स, और जो चीज़ है ये इसका ऑटो वाइजर ओपन एक टेक्नोलॉजी है। आप इसको प्रेस करोगे तो वाइजर अपने आप खुल जाएगा और इसको नीचे खींचोगे तो लग जाएगा। जैम में या फिर बहुत सारा ट्रैफिक में आप अगर फंसे हो तो आपको हाथ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस लेफ्ट हैंड लो, इसको प्रेस करो, ओपन हो जाएगा। इसको आप ऐसे करके भी चला सकते हो, थोड़ा सा हवा आएगा अंदर में। और अभी हम बात करेंगे इसका अंदर का जो कुशन्स है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले ही इसका जो स्ट्रैप है बहुत बढ़िया तरीके से किया हुआ है, जैसे अब इसको खींचते ही आ जाता है। और इसका एडजस्टेबल बहुत सारा इसमें लेवल्स है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 इसका एडजस्टेबल लेवल है। जैसे आप इसको अंदर में ऐसे करते हो तो आपको अगर थोड़ा सा लूज चाहिए तो आप इधर ही छोड़ दो, थोड़ा सा टाइट चाहिए तो इसको और भी थोड़ा आप अंदर कर सकते हो। और बहुत इजीली ये रिमूवेबल है। और इसको खींचने के लिए यहाँ पे एक
यहाँ पे एक आपका लीवर स्ट्रैप भी दिया है, मतलब स्ट्रैप है ये बेसिकली, लेकिन एक काम करता है लीवर का खींचने का। और दोस्तों इसका जो कुशन है बहुत बढ़िया है, यहाँ पे नेक सपोर्ट गार्ड आपको मिलता है, और अंदर का जितना सारा मतलब पार्ट है वो सारा का सारा डिटेचेबल है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका अंदर का जो पार्ट है पूरा का पूरा डिटेचेबल है। और कुशन्स मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आप इसको अगर वॉश करना चाहते हो तो इसको ऐसे खोल कर आप वॉश कर सकते हो, ये पूरा का पूरा डिटैच होता है, तो इसको आप खोल सकते हो। वैसे अंदर का ये टोटल का टोटल ही पार्ट निकल जाता है, और अंदर में ये जो हिस्सा है ये भी निकल आता है, देख सकते हो आप, ये जो हिस्सा है ये भी निकल के आ जाता है, ये टोटली वॉशेबल है। और इसको अगेन लॉक करने के लिए आपको जो करना है, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रैप चीट है, स्टिकर टाइप का है स्ट्रैप, तो इन दोनों को आप पहले एडजस्ट करो, फिर इसका जो पॉइंट है पॉइंट पीस पे बिठाओ और प्रेस करो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। बैठ गया, एक ये देखो अब एक साउंड आएगा, तब सोचोगे आप लॉक हो गया ये। मुझे थोड़ा विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट के ऑपोजिट साइड हो रहा है ना, जैसे आप सुन सकते हो ये इसको ऐसे पकड़ा और ऐसा एक साउंड हुआ तो ये लॉक हो गया, अब देख सकते हो ये पूरा का पूरा लॉक है। तो दोस्तों ये हेलमेट ऐसा है, इसमें आप अगर चाहो तो अपना ब्लूटूथ हेडसेट और ब्लूटूथ इंटरकॉम भी आप इसमें अटैच कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए भी यहाँ पे स्पेसेस काफ़ी दे रखा है, क्योंकि ये सब डिटेचेबल है तो आपको टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। और ये कुशंस जो है, कुशंस दोस्तों बहुत इसका बढ़िया है, तो कुशंस तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, इसका जो कुशंस मिला है बहुत बढ़िया है। तो ये था आज का स्टील बर्ड रोबोट SB17 हेलमेट का रिव्यू। क्या हो गया बेटा, लग जा, लग गया। तो दोस्तों ये था आज स्टीलबर्ड SB17 रोबोट हेलमेट का रिव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर कोई न्यू यूजर्स देख रहे हो या फिर आप अभी मेरा वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोगों के लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन। एंड दोस्तों सब्सक्रिप्शन ऑप्शन के बगल में जो बेल वाला आइकन है वो दबाने के लिए मत भूला करो, क्योंकि वो दबाने से मेरा हर कोई वीडियोज का हर कोई नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। सो इज द टाइम टू साइनिंग ऑफ एक एजुकेशन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ।